नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो आलू को हमने पहले से ही काट के रख लिया है और सोयाबीन को भी हम अच्छे से पानी से धुल लिए हैं। और ये प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर को काट लिए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन कर दिए हैं और इस पे हम कढ़ाही चढ़ा देंगे। कढ़ाही गरम हो गई है, अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम आलू और सोयाबीन डाल देते हैं। सोयाबीन और आलू को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसे तेल में भून लेंगे हम। तो हमने आलू और सोयाबीन को फ्राई कर लिया है और इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाही में फिर से तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल दिए हैं। जीरा पक गया है, अब इसमें हम लहसुन डाल देते हैं और ये कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। और ये हम प्याज डाल दिए हैं, इसे हम अच्छे से तेल में भून लेंगे। इसे हम 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। तो देखिए, हमारा प्याज और लहसुन अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम मसालों को मिलाएंगे। हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला मिला दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। तो मसाला हमारा पक गया है, अब इसमें हम आलू और सोयाबीन को डाल देते हैं और इसे हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, सोयाबीन और आलू मसालों में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम पानी मिला देते हैं। पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलाएंगे क्योंकि हम रसेदार सब्ज़ी बनाएंगे। और स्वाद अनुसार नमक मिला लेते हैं। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम सब्जी को फिर से देख लेते हैं। सब्जी को हम चला देते हैं। तो आलू हमारी आधी पक चुकी है, अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर मिला देते हैं। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम फिर से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो सब्जी को हम फिर से देख लेते हैं।
और ये हम थोड़ा सा मीट मसाला मिला देते हैं। इससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और आलू को हम इस तरह से फोड़ देते हैं जिसमें हमारा रसा गाढ़ा हो जाए। तो अभी हम सब्ज़ी को थोड़ा सा और पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें हम अब हरा धनिया मिला देते हैं। हरा धनिया मिलाने से हमारी सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो धनिया को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी इस तरह से आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाइए और खाइए। इसे आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, यह बहुत ही टेस्टी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।